दिल्ली को पूर्ण राज्य का अधिकार के मुद्दे को लेकर के दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। विधानसभा में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर के चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों का जो अलग अलग मुद्दों को ला करके मुंह छुपाने का जो खेल चल रहा था, उसका असली कारण कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज तिवारी जी के वक्तव्य से साफ हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जा देने के प्रस्ताव से यू टर्न ले रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात जैसे देश के लोगों को 15 लाख रुपए खाते में देने की बात एक जुमला थी, उसी तरह से दिल्ली के लोगों को भी पूर्ण राज्य का दर्जा देना एक जुमला था। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब माननीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन जी भाजपा के सुर में सुर मिलाते हुए पूर्ण राज्य की दिल्ली के वादे से यू टर्न ले लिए। दिल्ली के लोगों को पता है, भाजपा के लोगों को भी पता है और कांग्रेस के लोगों को भी पता है, दिल्ली के अंदर लंबे समय से जब आम आदमी पार्टी का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों की तरफ से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात और कवायद चलती रही है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस सरकार में जब गृह मंत्री माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी थे उस समय भाजपा की सरकार ने 18 अगस्त 2003 को संसद में पूर्ण राज्य का दिल्ली को दर्जा देने का प्रस्ताव रखा था। वो संसद की कमेटी को रेफर हुआ जिस कमेटी के चेयरमैन माननीय प्रणव मुखर्जी जी थे जो कांग्रेस पार्टी के थे और उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि जो प्रस्ताव आया है पूर्ण राज्य का उससे और व्यवस्थित और मजबूत अधिकार दिल्ली को दिया जाना चाहिए। उसके बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे माननीय मदन लाल खुराना जी हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा जी रहे हों, चाहे विजय मल्होत्रा जी रहे हों और चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन जी रहे हों, लगातार भाजपा के नेताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत और कवायद की। दिल्ली के अंदर 2014 में जब माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव अभियान चला और चुनाव लड़ा गया, 2014 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों से वादा किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और उसी वादे के तहत वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी सांसद बनकर के चुन कर के आए। लेकिन आज अचानक भाजपा का यू टर्न लेना ये बात समझ में नहीं आ रही। ठीक उसी तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस की 15 साल तक सरकार थी और उस सरकार के दौरान
कांग्रेस के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद 2015 के चुनाव के दौरान जब माननीय वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय माकन जी कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, दिल्ली का कांग्रेस का घोषणा पत्र बना और उस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आज जब दिल्ली के अंदर दिल्ली की विधानसभा दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए कदम आगे बढ़ा रही है तो दोनों पार्टियों का यू टर्न होना और दोनों का सुर में सुर मिलाना ये बात समझ के परे है और ये दिल्ली के लोगों के साथ एक बड़ा धोखा और मजाक है। आज मैं दोनों पार्टियों से पांच पांच सवाल पूछना चाहता हूं। पहले भाजपा के लोगों से मेरा सवाल है कि क्या मनोज तिवारी, अटल जी, आडवाणी जी, मदनलाल खुराना जी, स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी, विजय मल्होत्रा जी, डॉक्टर हर्षवर्धन की भाजपा से नाता तोड़ चुके हैं? दूसरा हमारा सवाल है कि क्या उन लोगों की भारतीय जनता पार्टी और मनोज तिवारी की भारतीय जनता पार्टी अलग अलग हो चुकी है? तीसरा सवाल है क्या 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा एक धोखा था? चौथा, क्या बीजेपी अपने घोषणा पत्र में बार बार झूठ बोलती रही है और क्या बीजेपी इस झूठ के लिए दिल्ली वालों से माफी मांगेगी? पांचवा, क्या भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व अपने दिल्ली के अध्यक्ष मनोज तिवारी के यू टर्न से सहमत है? ये भाजपा से हमारे पांच सवाल है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी से भी हमारे पांच सवाल है। पहला, कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने 4 फरवरी 2015 को दिल्ली की जनता से एक सभा में वादा किया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, क्या राहुल गांधी जी का वो बयान झूठ था? दूसरा, कांग्रेस के 2015 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में जो पूर्ण राज्य का वादा किया गया था जिस समय अजय माकन जी खुद कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, क्या वो झूठ था या फिर कल जो उन्होंने यू टर्न लिया है वो झूठ है? या तो कांग्रेस पहले झूठ बोलती रही है या फिर कांग्रेस ने कल झूठ बोला है, दोनों में से कौन सा झूठ सच है? तीसरा, दिल्ली कांग्रेस सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने विधानसभा में पूर्ण राज्य का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को क्यों भेजा था अगर कांग्रेस पार्टी इससे असहमत है? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आज ज्ञान प्राप्त हुआ है कि अगर पूर्ण राज्य दिल्ली बन जाएगा तो केंद्र सरकार से जो फंड मिलता है वो बंद हो जाएगा। उस समय ये ज्ञान नहीं था जब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए, जब विधानसभा चुनाव के दौरान खुद नेतृत्व कर रहे थे और वादा किए, तब ये ज्ञान नहीं था। आम आदमी पार्टी के नेता तो चलो नए नए हैं, उनको अनुभव नहीं है राजनीति का। आप तो दिल्ली के राजनीति में भी रहे हैं, केंद्र सरकार की राजनीति में रहे हैं, कैसे बजट आता है, कितना बजट आता है, दिल्ली वालों का 125 करोड़ रुपया केंद्र को कैसे जाता है और केंद्र से कितना पैसा दिल्ली को आता है, ये तो अजय माकन जी को पता है, फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? दिल्ली की जनता से कांग्रेस इस झूठ के लिए कब माफी मांगेगी? और पांचवा सवाल है, अजय माकन की क्या मजबूरी है बार 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 भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्यों बोल रहे हो? ये पांच सवाल हमारे कांग्रेस पार्टी से और पांच भाजपा से हैं। मैं भाजपा के मित्रों से ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य को दिलाने के लिए
हमने बहुत ठंडे दिमाग से सरकार चला करके देखा है। आज दिल्ली के अंदर जो विकास का काम चल रहा है, जो दिल्ली के अंदर लोगों के लिए बेहतरी का काम चल रहा है, हम दावे के साथ कहना चाहते हैं, जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि अगर आज दिल्ली पूर्ण राज्य बन जाए तो इसकी रफ्तार 10 गुना ज्यादा बढ़ सकती है। आज दिल्ली के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, आम आदमी पार्टी का बहुत ही स्पष्ट मानना है, दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार को संचालन के लिए सम्मानपूर्ण संपूर्ण अधिकार होना चाहिए। एनडीएमसी का एरिया जो है, एनडीएमसी की एरिया में जो कुछ भी काम है, सारा ए टू जेड सारा अधिकार केंद्र सरकार को दिया जाए। पुलिस से लेकर के, लैंड से लेकर के, हॉस्पिटल से लेकर के, बिजली पानी सुरक्षा स्वास्थ्य सफाई सारा केंद्र सरकार नियंत्रित करे, उसके व्यवस्था को केंद्र सरकार देखे। और बाकी जो पूरी दिल्ली है जिसका केंद्र सरकार से कोई ना दिल्ली न तो दिल का कोई रिश्ता है न तो एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जिम्मेदारी है, पूरी दिल्ली का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए जिससे केंद्र सरकार भी सुचारू रूप से संचालित हो सके। और दिल्ली के लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार होता है, जो दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय से भी दिल्ली के लोगों की मुक्ति हो सके। क्योंकि एक देश के अंदर दो मतदाताओं का अलग अलग वोट की कीमत नहीं हो सकती। आज दिल्ली के मतदाताओं के सामने सबसे बड़ा संकट है, जब तक मैं उत्तर प्रदेश में था हमारे वोट की कीमत अलग थी, मैं दिल्ली में आ गया तो मेरे वोट की कीमत अलग हो गई, आधी हो गई। जब तक कोई बिहार में था उसकी वोट की कीमत पूरी थी, दिल्ली में आ गया वहां का मतदाता बन गया तो उसके वोट की कीमत आधी हो गई। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के लोगों को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए इस लोकतंत्र में। केंद्र सरकार का जहां तक बहाना था, उस बहाने का एक समाधान सर्वमान्य समाधान है और दुनिया के कई देशों में राजधानियां जहां पर हैं, वहां का कुछ एरिया केंद्र सरकार नियंत्रित करती है और बाकी एरिया को राज्य सरकार करती है। दिल्ली भी इस रास्ते से केंद्र सरकार को भी सुरक्षित रखा जा सकता है और दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं उन तमाम इलाकों को भी विकसित किया जा सकता है। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से हम जानना चाहते हैं कि इनके जो प्रदेश अध्यक्षों ने बोला है इस बात पर पूरी पार्टी सहमत है या असहमत है। अगर ये बात केंद्र की पार्टियों की तरफ से नहीं आता है तो जैसा हमने विधानसभा में घोषित किया था, कल दिल्ली के लगभग हमारे वार्ड लेवल के, प्रदेश से लेकर वार्ड तक के 500 पदाधिकारियों की कल हम मीटिंग बुला रहे हैं पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर के सीएम हाउस में, सभी पदाधिकारियों से इस पर चर्चा करेंगे। और इसको लेकर के जो भाजपा और कांग्रेस झूठ बोल रही है, दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो लेकर के दिल्ली के अंदर हम इनके पोल खोल अभियान को चलाएंगे, घर घर जाएंगे और इनका जो झूठ है और जुमला है उसको जनता के सामने हम एक्सपोज करेंगे।